सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC22 और ये मैच गाइस डायमंड 5 के बंदे के साथ होने वाला है। ऊपर से गाइस अपोनेंट भाई एक भी फास्ट बॉलर का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि अपोनेंट पांच स्पिनर यूज करने वाला है। काफ़ी कमाल का मैच रहने वाला है, तो देखना जरूर। और यहाँ पर फाइनली हम टॉस जीत चुके थे और करेंगे सबसे पहले बल्लेबाजी और देखते हैं भाई स्कोर क्या रहती है हमारी। तो भाई पांच स्पिनर को खेलना जरूर एक चैलेंज होने वाला है। तो पहली गेंद गुगली होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल गुगली। इनके पास भाई तीन ही वेरिएशन है, टॉप स्पिन गुगली और लेग स्पिन। इस बार भी गुगली, लेकिन हम पहले से तैयार थे और पिछली गेंद का कसर पूरा करते हुए छक्के के साथ, क्योंकि भाई जो पहले वाला गेंद था ना वहाँ पे हमने खुद से मिस्टेक करी थी। मैं तो मुझे लगा था ये लेग स्पिन है, मतलब थोड़ा सा गेसिंग करने में दिक्कत हुई थी, लेकिन अगली गेंद हमने भरपाई कर दी है। अपोनेंट फिर से यहाँ पे गया है गुगली के लिए और फिर से इस बार छक्का। लो भाई चौके से नहीं मानोगे तो छक्का लो। फाइनली इस बार अपोनेंट आ गया है लेग स्पिन पे और एक और शॉट दे लो भाई। पक्का अपोनेंट को लग रहा होगा कि हैक लगाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ फिर से इस बार 303 खेलने की कोशिश। गेंद काफ़ी धीमी थी क्योंकि लेग स्पिन थी और भाई वहीं पे हमसे मिस्टेक हुआ। कोई बात नहीं, पहले ओवर से 22 रन बने थे, एक भी गिर गया था, लेकिन दूसरा ओवर यहाँ पे परीक्षणा लेके आए हैं। परीक्षणा का भाई जो बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से आती है और इनके पास भी वेरिएशन कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये शॉट देख लो गाइस, गुगली को कूटने के लिए भाई 101 रख लो, बहुत बढ़िया शॉट है। या 578 रख लो, ये भी बढ़िया शॉट है। तो गाइस चलो देखते हैं इस बार यहाँ पे 570, बिल्कुल मैंने बोला था भाई गुगली गेंद थी और 578 लगा दिया छक्के के लिए। चलो गाइस अभी भी दो गेंदें बाकी है पावर प्ले के। इस बार पीछे खेला है यहाँ पे, बढ़िया शॉट है, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 36 रन बन चुके थे भाई पावर प्ले से, टोटल बने हमारे 38 रन। और इस बार काफ़ी कृष्णप्पा गौतम लगातार तीसरा स्पिनर, और हमने आराम से खेल के अपोनेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी थी। स्टॉक खेल के देखो आराम से खेला हमने। इस शॉट में आपको थोड़ा बहुत पोजीशन मेंटेन करना पड़ेगा, पोजीशन मेंटेन नहीं करोगे तो बॉडी पे लग जाती है बॉल, और भाई बॉल तो गेस करना पड़ेगा। तो चलो गाइज ये बॉल यहाँ पे 245 गाइज स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही रिस्की शॉट है। आप स्पिनर के अगेंस्ट इस शॉट का इस्तेमाल नहीं करो, वहीं बेहतर है। देख लो टाइमिंग में अगर फंसोगे तो भाई सीधे बाउंड्री यानी कि पवेलियन के बाहर आप जाओगे। तो भाई 245 को खेलना है अगर स्पिनर के अगेंस्ट, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ पे हफीज आए हैं चौथा स्पिनर। इस बार 578 भाई टाइम ही नहीं हो रहा यार ये शॉट, पता नहीं क्या हो गया था। लगातार मैं कोशिश कर रहा था फिर भी शॉट टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं इस शॉट को खेलना ही छोड़ दिया था। इस बार फिर से वही शॉट, फिर से वही रिजल्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी पारी लड़खड़ाती हुई, लेकिन कोई बात नहीं हम आराम से खेलेंगे गाइस। देखते हैं इस बार 431 लीजिए, 431 छक्के के साथ हमने फाइनली यहाँ पे बढ़िया ओवर समाप्त करी है। यहाँ पे पांचवा स्पिनर आ चुका है इस बार। टू भाई ये शॉट क्या हो गया यार, 245 के स्पिनर के अगेंस्ट भाई बिल्कुल नहीं खेलना, या फिर पहले आप प्रैक्टिस कर लेना फिर खेलना। इस बार ये शॉट देख लो गाइस, ये निगेटिव लेंथ किलर शॉट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे नॉर्जे ने लगा दिया है चौका। आखिरी गेंद फिर से वही शॉट, लेकिन इस बार फील्डर है वहाँ पे। जब तक गेंद थ्रो करेंगे 2 रन लेने का मौका, हम 2 रन पूरा भी करेंगे। और इसी के साथ गाइस 68 रनों का लक्ष्य हमने अपोनेंट को दिया है, जबकि गाइस अपोनेंट पांच स्पिनर का इस्तेमाल किया है। फिर भी 68 रन भाई अगर कम लग रहा हो तो सॉरी आज, क्योंकि मैं भाई इतना स्पिनर को खेलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है यार, कोई भी मैं हूँ या फिर कोई भी हो। चलो गाइस यहाँ पे इस बार देखते हैं हम लेके आए राधा कृष्णन को। और गाइस बात करें वहीं राधा कृष्णन की, तो पिछले कुछ मैचों में राधा कृष्णन कुछ ज़्यादा ही कूट रहे हैं, और यहाँ पे देख लो अगर इस बार राधा कृष्णन कूटे ना भाई, तो अगले मैच में इनको कुछ दिनों के लिए बैठाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको भाई जो प्लेयर है ना लगभग सारे प्लेयर थे, मतलब गेस कर ले रहे हैं। एक कैच भाई बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, फ्लिप का कैच छूट जाए भाई। फ्लिप कितना तगड़ा प्लेयर है भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास है ये प्लेयर। और देख लो यहाँ पे कैच क्या है, आसान कैच छोड़ा है भाई, अलग ही सीन है यार, आप देखो ये क्या करता है हमारे साथ। चलो गाइस इस बार देखते हैं, बिल्कुल धीमी गति की गेंद रखी है, अपोनेंट लीजिए भाई वो कैच, अब कितना मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे पहला चौका तो आ चुका है। तो गाइस कोई बात नहीं, हम फिर भी अपना पोटेंशियल बना के रखने वाले हैं, देखते हैं इस बार क्या होती है। थोड़ी सी तेज गति से हमने दूसरा गेंद डाली है और राधाकृष्णन क्या यहाँ पे एक विकेट निकालेंगे, तो भाई विकेट काहे को निकालेंगे, तो बाउंड्री के बाहर जाएंगे, छक्का लग गया यहाँ पे। क्रिस मॉरिस को हम लेके आए थे क्योंकि राधाकृष्णन कुछ ज़्यादा ही कूट गए थे भाई, 19 रन खा लिए थे। और राधाकृष्णन से भाई अब हम कोशिश करेंगे कि इनको एक दो मैच अभी नहीं खिलाएं। कृष्णा यहाँ पे आए हैं क्रिस मॉरिस, पहली गेंद बाउंसर गेंद वाइड बॉल थी, अगली गेंद ये शॉट भी अच्छा है भाई, ये शॉट इनस्विंग के लिए बहुत ही सही शॉट है, बट आपको टाइमिंग करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग नहीं करोगे, पोजीशन नहीं करोगे, तो भाई कोई भी शॉट सही नहीं है।
इस बार ये शॉट बिल्कुल भैया हाथ में जाएंगे। थोड़ा सा आपको अर्ली खेलना पड़ेगा फास्ट बॉल पे, अगर अर्ली नहीं खेलोगे तो फिर यही रिजल्ट होगा। फिर से वही गेंद, फिर से वही स्विंग गेंद को ये पढ़ने में नाकामयाब रह रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे क्रिश मॉरिस जैसे गेंदबाज को विकेट मिल रहा है, क्योंकि भाई मॉरिस के पास ज़्यादा बाउंस है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे 431 खेलना चाहिए, मैं तो भाई इनको रिकमेंड करता कि 431 अगर है तो 431 खेलो, लेकिन नहीं पीछे खेला, इस बार चौका है, यहाँ पे चौका मिलेगा। कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल ओवर निकल चुका है, नॉर्जे आए हैं और नॉर्जे के भाई खिलाफ, जो नॉर्जे के खिलाफ रन बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं भाई अगर आवाज़ थोड़ी सी अगर अजीब लग रही हो तो भाई, वैसे तो नहीं लग रही होगी, अगर लग रही है भाई तो थोड़ा सा फीवर कुछ ज़्यादा ही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे वाइड यॉर्कर हमने डाली है, यहाँ पे वाइड, इस पर लेंथ बिल्कुल एकदम पैरों पे हमने लेंथ कर दी थी, और इसी वजह से यहाँ पे एक विकेट मिल गया। इस बार अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, लेकिन भैया पवेलियन लौटेंगे। शॉट काफ़ी कमाल का है, लेकिन आप टाइमिंग करोगे तब। ये शॉट भी बढ़िया है भाई, ये शॉट भी बढ़िया है, 463 ब्रूट के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट है। अभी तक भाई फ्लिप आउट नहीं हुआ है, इसका कैच पहली गेंद पे ही छूटा था भाई, पहली या दूसरी। यहाँ पे शॉर्ट लेंथ से हमने इनिंग को ख़त्म कर लिया, इस मतलब इस ओवर को ख़त्म करी है। नॉर्जे का ओवर से मात्र एक रन बना था भाई, क्या ही ओवर डाली थी। इस बार हम विलियम्स को लेके आए थे, और विलियम्स भाई कहीं ना कहीं सही लगता है मेरे को, राधा कृष्णन से तो भाई मुझे बहुत हद तक सही लगता है। यहाँ पे दूसरा गेंद थी, मुझे पता था भाई अपोनेंट समझेगा कैरम बॉल है, इसलिए मैंने दूसरा डाली थी। लेकिन यहाँ पे 363 की कोशिश, लेकिन वहाँ पे हमने पहले से फील्डर लगा रखी थी, और इसी वजह से विलियम्स को विकेट मिला, प्लस चार गेंदें दौड़ कर आई है। यहाँ पे गोल्ड शॉट 500 खेलने की कोशिश, लेकिन नहीं भाई। याद रखना कि अगर कोई भी पांच स्पिनर का इस्तेमाल करता है ना, तो एक बात आप ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं उसकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है, वीक नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक है, तभी भाई वो अपोनेंट जो होगा वो पांच स्पिनर का इस्तेमाल करता है। कोई दो या फिर तीन भी इस्तेमाल करता है तो चल जाएगा, लेकिन पांच स्पिनर को इस्तेमाल करता है, इसका मतलब सिंपल है कि भाई उसको 40-50 रन चेस करने में भी मुसीबत आ जाएगी। इस बार वाइड यॉर्कर, ओ माय गॉड क्या शॉट है, लाजवाब शॉट भाई, क्या शॉट है, लियम लिविंगस्टन का ये शॉट था। इस बार हमने डाली है रिवर्स गेंद, ताकि अपोनेंट कहीं ना कहीं पोजीशन गड़बड़ कर ले, और यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो भैया बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है, और यहाँ पे हमने बॉल को डॉट निकाली है। छोड़ गाइस, इस बार हम कटर डालने वाले हैं, और इसकी जो स्पीड है वो मीडियम रखी है हमने, दो गेंदें भी बची है, रन चाहिए 34 भाई, क्या बनेंगे रन, क्या लगता है बनेगा कि नहीं, आखिरी बॉल पे 34 रन आएंगे क्या आखिरी बॉल। भैया इनको लगा रिवर्स आएगी, लेकिन काहे को मैं डालूंगा रिवर्स भाई। यहाँ पे 33 रन से हमने इस मैच को जीत लिया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलता रहे, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अभी आने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।